भारत में ट्रेन को देश की धड़कन भी कहा जाता है। देश में रोजाना लाखों मुसाफिर ट्रेन से अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचते हैं। इस दौरान ट्रेन कई स्टेशनों से होकर गुजरती है। इनमें से कुछ के नाम हम तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेशनों के नाम ऐसे भी होते हैं जिसको ताउम्र याद रखते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन अपने नाम के कारण देश भर में प्रसिद्ध हैं। आज हम आपके लिए देश भर से कुछ ऐसे रेलवे स्टेशनों की लिस्ट लेकर आए हैं जिनके नाम सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाएगा। वीडियो में जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहला नाम है दारू रेलवे स्टेशन। अनोखे नाम वाला रेलवे स्टेशन झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। इसका नाम सुनते ही दिमाग में दारू का ठेका नजर आने लगता है। इसके बाद है लोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन उत्तरी कर्नाटक के लोंडा कस्बे में प्रमुख रेलवे स्टेशन है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली डिवीजन क्षेत्र में आने वाले स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म हैं। इसके बाद है दीवाना रेलवे स्टेशन। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में आने वाला यह स्टेशन हरियाणा के पानीपत में स्थित है। दोस्तों, इस स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म पर रोजाना 16 ट्रेनें रुकती हैं। इसके बाद आता बाबली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के महाबतपुर गांव में स्थित है। इस स्टेशन का नाम सुनकर कहीं आप भी बावले न हो जाना। इसके बाद आता साली रेलवे स्टेशन। साली रेलवे स्टेशन राजस्थान के जोधपुर जिले के डुडू में स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे से जुड़ी इस स्टेशन का कोड साली यानी साली ही है। इसके बाद आता है नाना रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन राजस्थान के सिरोही जिले के चिमनपुरा में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है नाना NANA। इस स्टेशन पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं। इसके बाद नाम आता है बाप रेलवे स्टेशन। राजस्थान के जोधपुर में स्थित इस स्टेशन का नाम बाप है और इस स्टेशन पर भी एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं। ये सियाना शहर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद आता है ओढ़निया चाचा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन राजस्थान में पोखरण के नज़दीक स्थित है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद आता है सहेली रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के नागपुर डिवीजन में स्थित इस रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनें रुकती हैं। इसके बाद नाम आता काला बकड़ा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पंजाब के जालंधर में स्थित है। ये जगह भारतीय सैनिक गुरबचन सिंह के मशहूर है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को सम्मानित किया था। इसके बाद आता है बिल्ली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये एक छोटा सा कस्बा है। इस पूरे इलाके का असल नाम ही बिल्ली है। भैंसा रेलवे स्टेशन। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का यह स्टेशन उत्तर प्रदेश की मथुरा जिले में स्थित है। दोस्तों, इस स्टेशन पर हर रोज 4 पैसेंजर ट्रेनें रुकती है। इसके बाद आता है छाता रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। तेज बारिश हो तो आप इस स्टेशन पर जाकर रुक सकते हैं, ये छाते काम करेगा। बीबी नगर रेलवे स्टेशन। दक्षिण मध्य रेलवे की विजयवाड़ा डिवीजन का ये रेलवे स्टेशन तेलंगाना के भुवनागिरी जिले में स्थित है। इस स्टेशन मेमो लोकल ट्रेनें चलती है। इसके बाद है सिंगापुर रोड जंक्शन। ये रेलवे स्टेशन उड़ीसा में रायगढ़ जिले में स्थित है और इस स्टेशन से ट्रेन लेने के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद था भागा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन झारखंड में स्थित है जहाँ से कई सारी ट्रेनें चलती है। ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ से आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है पनौती रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आता है कुत्ता रेलवे स्टेशन। तो ये अजीबोगरीबो नाम है कुत्ता रेलवे स्टेशन। इसके बाद आता है बिल्ली रेलवे स्टेशन जो बताए थे सोनभद्र में पड़ता है। इसके बाद आता है सुअर रेलवे स्टेशन। तो इस टाइप से अजीबोगरीब नाम है दोस्तों, इसको जानकर बहुत हंसी आता है। इसके बाद हीलू जहाँ लोग प्यार। तो इस तरह से हमारे देश में कई अजीबोगरीब नाम वाले रेलवे स्टेशन दोस्तों जिसको जिंदगी भर याद रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।